और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के सीता द्वार मंदिर से, जहां पर गिलौला इलाके के दंदौली से गणेश की प्रतिमा को लेकर भक्त पहुंचे और उनका विधिवत पूजन अर्चन कर विसर्जन किया गया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के सीता द्वार मंदिर से है, जहां पर आज गिलौला इलाके के दंदौली से राजीव पांडे व उनके साथ भारी संख्या में भक्तजन गणेश प्रतिमा को लेकर सीता द्वार पहुंचे। यहां पर गणेश जी का विधिवत पूजन अर्चन किया गया तथा विधिवत मंत्रों उच्चार के बीच उनका विसर्जन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे। पंडित की मौजूदगी में यहाँ पर पूजन अर्चन आरती के बाद गणेश जी का विसर्जन किया गया। श्रावस्ती जनपद के गिलौला इलाके के दंदौली में गणेश जी की मूर्ति रखी गई थी, जहां पर लोग विधिवत पूजन अर्चन कर रहे थे और आज उसे उनकी प्रतिमा को इकौना के सीता द्वार लाकर सीता द्वार के पवित्र झील में गणेश जी का विसर्जन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में राजीव पांडे के साथ साथ भक्त आदमी के जो विषय होते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अब आप लोगों के सामने भगवान की मूर्ति के विषय हो रहा है इन प्रेम से, और यही प्रार्थना है कि भगवान कल्याण के लिए मूर्ति रखी जाते, कल्याण की भावना रखो। ये भगवान जो क्षेत्र का पूजा पाठ किया और पूजा के लायक कहा है समाप्त हो कल्याण को। ओम आवाहनम न जानामी न जानामि विसर्जनम, भाई उन्हें कोई आवाहनम न जानामी न जानामि विसर्जनम, पूजा से न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, मंदहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर, यद पूजितम मया देवो परिपूर्ण तदस्तु मे, पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवाय मां गणपति देवता सर्व कष्टहरो हरि, ताय मां गणपति देवता सर्व कष्टहरो हरि। हे गणेश देवता, मैंने अपने ग्राम चंदौली में ला करके 5 दिवस में अपनी शक्ति अनुसार आपका पूजन किया। हे महाराज, जो कुछ त्रुटि होगी उसको क्षमा करना, यजमान की तरफ से हमारा सब लोग का हो, हमारा हमारे परिवार का सब प्रकार से कल्याण करना, और हे नारायण मैं आपसे मंगल की कामना करता हूँ। आप पुनः मिट्टी बन जाइए और पुनः अगले साल गणेश चतुर्थी को हमारे घर में बधाइएगा। बोलो गणेश भगवान की जय। ओए हेलो